नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप न्यूज में। मेरा नाम है सुनील यादव और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमें रोबोट टीएक्सटी फाइल जो होती है इसका बेनिफिट क्या होता है और इसे हमें कैसे जनरेट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के लिए। एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम ये वाला एक्सरसाइज नहीं करते या फिर ये वाली प्रैक्टिस नहीं करते अपनी वेबसाइट के लिए, तो हम एसईओ करने में, वेबसाइट का रैंक कराने में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे चार टॉपिक के बारे में जो मैंने आपकी स्क्रीन पर डाले हुए हैं। पहला है कि व्हाट इज रोबोट टीएक्सटी, उसके बाद है कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। थर्ड है हाउ टू रोबोट टीएक्सटी वर्क, देन उसके बाद है हाउ टू क्रिएट रोबोट टीएक्सटी। तो इन चारों के टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे हम। रोबोट टीएक्सटी की कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में हमें मिलने वाली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को कि रोबोट टीएक्सटी होता क्या है। रोबोट टीएक्सटी फाइल जो है वो गूगल के जो सर्च इंजन जो है, गूगल यानी कि सर्च इंजन या फिर कोई भी सर्च इंजन है, उसके जो भी क्रॉलर्स होते हैं उन क्रॉलर्स को बताती है कि हमारी वेबसाइट के कौन से पेज को आपको क्रॉल करना है और कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है, यानी कि कौन से पेज को आपको अपनी सर्चिस के अंदर दिखाना है, कौन से पेजेस को नहीं दिखाना है। ठीक है, इन अ सिंपल वे कि रोबोट टीएक्सटी अगर हम जो फाइल्स है उसका इसलिए हम यूज करते हैं कि जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर होते हैं उनको हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इतने पेजेस को आप क्रॉल करिए और इतने पेजेस को क्रॉल नहीं करिए। अब आगे वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि उसको वर्क कैसे करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, पर मैं आपको अभी पीपीटी में समझा रहा हूं कि कैसे उसको चेक करना है। आपकी वेबसाइट का नाम .com/ उसके बाद robots.txt ये डालोगे तो इस तरीके का कुछ ओवरफ्लो आपके सामने आएगा। डिसअलाउ, यहाँ पे डिसअलाउ का मतलब है कि इन सारे, जैसे कि कोई कमेंट है, कोई गेट वीडियो है, इन वाले जो जितने भी हमारी वेबसाइट पे पेजेस हैं इन पेजेस को गूगल क्रॉल नहीं करेगा या फिर जो सर्च इंजन है वो क्रॉल नहीं करेगा, अदर जो भी पेजेस हैं उन सबको क्रॉल करेगा। तो डिसअलाउ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्रॉल नहीं होगा और अलाउ लिखा हुआ है तो वो क्रॉल होगा। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, उससे पहले हम और चीजों को समझते हैं। ठीक है, रोबोट टीएक्सटी का जो वर्क होता है कि वो किस तरीके से वर्क करती है वो मैंने आपको पहले बताया। अब पर हम यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं जो उसके टेस्टिंग जब हम करते हैं। तो हमने किसी भी यूआरएल को, हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाएंगे, वहां पे यूआरएल इंस्पेक्शन का एक ऑप्शन होता है, उसको हम यूज करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि ये जो हमने जिस पेज पे अपने किसी भी पेज पे रोबोट टीएक्सटी लगाई है उसे डिसअलाउ करा हुआ है। ठीक है, तो डिसअलाउ में वो गूगल पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, सर्च इंजन पे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको सर्च कंसोल के ऑप्शन से यूज करके जान सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मैं अब इन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। सबसे पहले ये होगा कि हम किसी वेबसाइट का कैसे चेक करेंगे कि उस पर रोबोट टीएक्सटी है या नहीं है। सपोज यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल ली, जैसे कि डेल लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, मैंने उसकी वेबसाइट खोल लेता हूं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी कंपनी है, अब इस कंपनी के कौन कौन से पेजेस जो है वो क्रॉल इन्होंने अलाउ कर रखा है क्रॉल हो और कौन से इन्होंने कर रखा है क्रॉल नहीं हो। ठीक है, तो वो हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी इन्होंने वेबसाइट आ गई, अब मैं कहता हूँ कि इसकी डोमेन पे जाके यहाँ पे स्लैश करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ रोबोट टीएक्सटी। ठीक है, देखो स्पेल आउट मिस मत करना, robots.txt ये जरूर ध्यान रखना कि हमें ये ही डालना है। ठीक है, अगर ये डालोगे तो ही कंप्लीट पता लगेगा कि रोबोट टीएक्सटी हमने सही तरीके से लगाई है, अपलोड करी है या नहीं करी है किसी वेबसाइट में। ठीक है, तो अब क्या करता हूं, मैं इसको एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद मेरे को इस तरीके से पता लग जाएगा, और जहां जहां पे, जैसे कि यहां पे यूजर एजेंट है, जब भी ये आता है हैज आता है, हैज का मतलब है कि जितने भी सर्च इंजन हैं वो सारे के सारे सर्च इंजन को अलाउ करा हुआ है हमने कि हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें। पर जहां पे हमने डिसअलाउ लिखा है तो वहां पे डिसअलाउ का मतलब है कि हमने मना कर रखा है कि हमारे ये वाले पेजेस हैं इनको आप क्रॉल नहीं करिएगा, इनको आप शो नहीं करिएगा, इनको आप क्रॉल नहीं करिएगा। ठीक है, और जिस जहां जहां पे भी हमने अलाउ लिखा हुआ है, अलाउ जहां पे लिखा हुआ है वहां पे है कि ये सारे के सारे हमने पेजेस को अलाउ करा हुआ है कि इन सबको अलाउ करा हुआ है, इन सबको क्रॉल करें और इन सबको सर्च इंजन में शो करें। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इतने सारे पेजेस हैं, कहीं पे डिसअलाउ है, कहीं पे अलाउ है, कहीं पे डिसअलाउ है, कहीं पे अलाउ है। ये इन्होंने देखो यहाँ पे अलग अलग जो भी इनके हैं सर्च इंजन से उनको देखा, जैसे बाइडू है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी सर्च इंजन पे अगर लगा रखी है ना तो वो भी लगा रखी होगी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट पे लगी हुई है, किस वेबसाइट पे नहीं लगी हुई है। अब बात आती है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, ठीक है, अगर हमारी कोई वेबसाइट है, जैसे कि मैं अपनी एक वेबसाइट नॉर्मल खोल लेता हूँ, अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो हमें अपनी वेबसाइट पे कैसे लगानी है, गूगल जो भी ये लोबो TXT है इसको हमें कैसे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है, कैसे हमने पेजेस को अलाउ करना है, कैसे डिसअलाउ करना है, फिर उसके बाद में मैं ये बताऊंगा। तो कैसे हमें लगानी है ये चलते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। जब हम डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें एक टूल, एक प्लगइन को अपलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है Yoast SEO। Yoast SEO सभी, बेसिकली सभी लोग यूज करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आप Yoast SEO कर लेना और इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। Yoast SEO पे जाएंगे, उसके बाद में आपको आना टूल्स पे, Yoast SEO, उसके बाद टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, फाइल एडिटर, ठीक है। अगर आपके पास डेटाबेस, आपकी वेबसाइट PHP बनी हुई, तो आपको क्या करना है, सी पैनल के अंदर जाके वहां पे डेटाबेस के अंदर अपनी फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, जो मैं फाइल आपको बताऊं किस तरीके से बनानी है उसको। तो अभी यहां पे जाते हैं, फाइल एडिट करते हैं, फाइल एडिटर पे जैसे हम करेंगे तो यहां पे आ रहा है, देखो, क्रिएट रोबोट .txt फाइल। तो क्रिएट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी यहां पे। मैं इसको करता हूं, यहां पे क्लिक करा मैंने इस पे और जो मेरी फाइल है वो यहां पे रेडी हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार नीचे जाता हूं, ये मेरी वेबसाइट का पूरा है। अब इसको मैं बैक करूंगा एक बार, ठीक है, उसके बाद मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूं। तो मैं यहां पे बैक गया, अब जो मैं यहां पे आया तो मैंने देखा कि जो मेरी वेबसाइट है उसकी क्या है, Robot.txt क्रिएट हो गई। यहां पे यूजर एजेंट मैंने बताया था ना, हैज का मतलब होगा कि मैं सारे सर्च इंजन को अलाउ कर रहा हूं। उसके बाद डिसअलाउ करा हुआ मैंने इस वाले पेज को, कि इस वाले पेज को आप क्या करेंगे, आप गूगल पे क्रॉल नहीं करेंगे, गूगल पे इसको आप क्रॉल नहीं करना, इस वाले पेज को आपको क्रॉल करना है, जो भी इससे रिलेटेड पेजेस है वो सारे के सारे क्रॉल होंगे। अब मैं देखता हूं कि ये वाली जो कमांड है वो मेरी वेबसाइट पर लगी है या नहीं लगी है, वेबसाइट पर अपलोड हुई है नहीं हुई है। तो मैं यहां पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है, देख लीजिए आप, ठीक है। यहां पे क्या करूंगा, मैं सेव चेंजेस टू Robot.txt कर देता हूं, यहां पे मेरा पार्ट हो गया फिनिश। अब उसके बाद मैं करता हूं, यहां पे अपनी वेबसाइट पे जाता हूं, इसके बाद जाने के बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, /robot.txt, ठीक है। अब Robot.txt जानूंगा तो यहां पे क्या हो गया, मेरा ये वाला पार्ट आ गया। तो किससे क्या हो गया, मेरी वेबसाइट जो है, मैंने बता दिया कि मेरी जो वेबसाइट का जो ये वाला पेज है इसको आप क्रॉल नहीं करेंगे, इन सारे के सारे पेजेस को आप क्रॉल करेंगे। अब हमें अदर पेजेस को अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने ये वाली कमांड रख ली, ये कमांड आ गई मेरी यहां पे, मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, यूजर एजेंट को हैश बना के रखा हुआ है, कि भाई जो भी है हमारे जितने भी सर्च इंजन सबके सबको क्रॉल करें। अलाउ के लिए मैं कोई सा भी यहां पे अपनी वेबसाइट का, जैसे मैंने ये वाला करा था, ये वाला जैसे यहां पे डिसअलाउ रखा है vp.admin को, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं किसी और पेज को डिसअलाउ कर देता हूं, कि सपोज मेरा जो है, तो यहां पे जो भी मेरी वेबसाइट का पेज है उसको यहां पे मैं डिसअलाउ करके और इस वाली फाइल को ले जाके अपने सी पैनल में अपलोड कर दूंगा, और वहां से क्या होगा, मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो गूगल का जो क्रॉलर है या सर्च इंजन का क्रॉलर है वो उस पेज को क्रॉल नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है, उस पेज को क्रॉल नहीं करेगा। अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है कितना आसान है करना। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं आपकी पूरी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी छोटा छोटा पॉइंट भी रह गया या फिर कंफ्यूजन रह गई, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। आप मेरे को मेल करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर जरूर आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।